of the topics are bad debts, bad debts recovered, provision for bad debts and many more. सारे टॉपिक्स को हम एक बार यहाँ एक वीडियो में यहाँ पूरा कवर करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे. फर्स्ट टॉपिक मैंने ले रखा है बैड डेट्स से रिलेटेड. बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, इन तीनों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर आफ्टर दैट वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दीज थ्री टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो देखिए पहले हम बैड डेट समझ लेते हैं क्या होते हैं. डेटर्स हमको पता है कौन है, जिनसे हमें पैसा लेना है, पैसा जिनसे अमाउंट मिलना है, एसेट्स जो होती है हमारी. अगर वो पैसा ना दे पाए, इनसॉल्वेंट हो जाए, नहीं दे पाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, बैड डेट्स. जो पैसा दे रहे हैं गुड डेट्स, जो नहीं दे पा रहे हैं दे आर बैड डेट्स. गुड डेट्स वर्ड मत यूज करिएगा कहीं फेयर में. तो बैड डेट्स कौन है, जिनसे पैसा लेना है अगर वो ना दे पाए, दे आर नोन एज बैड डेट्स. द अमाउंट इज नोन एज बैड डेट, दे आर नॉट नोन एज बैड डेट्स. उनके अमाउंट को बैड डेट कहा जाएगा. ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट. 1 लाख के मेरे पास डेटर्स हैं बैलेंस शीट में. हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चल रहा है कि 1 लाख में से 1000 रुपीज का बैड डेट्स हो सकता है, जो हर बार होता है. तो मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया, एक एस्टिमेट मैंने लगा लिया 1000 का बैड डेट्स होना ही है. तो 1000 का लॉस हमें एडवांस में पता चल रहा है. तो एडवांस में कोई लॉस हमें दिख रहा है तो वी हैव टू फॉलो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट विच सेज दैट द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन एडवांस. अगर लॉस दिख रहा है आपको एडवांस में तो आप पहले से उसको उससे बचने के लिए पहले से कुछ प्रोविजन बना लीजिए या रिजर्व बना लीजिए. तो उसी पॉलिसी को हमें यहाँ फॉलो करना पड़ेगा. तो इस बैड डेट से बचने के लिए क्या हम बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. ओके, सो दिस इज योर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिकवर्ड. जो यहाँ बैड डेट्स हुए थे हमारे, सपोज 1 लाख के बैड डेट्स हैं, सो नॉट 1 लाख बैड डेट्स, डेटर्स हैं 1 लाख के, जिसमें से 5000 के बैड डेट्स हो गए. अब बाद में हमें 5000 में से कुछ रिकवर हो जाए अमाउंट, सपोज 2000 वापस आ जाए, तो दैट इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर. मतलब रिकवरी हो गई, जो लॉस हो चुका था उसको रिकवर हो गया. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स. अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे होगा वो हम करते हैं इस क्वेश्चन से. तो तीनों जो टॉपिक है उसका मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख रखा है, कंबाइंड क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा. तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड हैज डेटर वर्थ ₹50,000 ऑफ विच 10,000 इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट एंड आर नाउ बैड डेट्स. देखिए डेटर्स हैं एक कंपनी एक्स लिमिटेड के पास 50,000 के, मतलब 50,000 का डेटर है कंपनी के पास, जिसमें से कितने बैड डेट हो गए 10,000. मतलब 10,000 का मेरा बैड डेट अराइज हो गया, लॉस हो गया मेरा, तो लॉस की क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. तो मतलब बैड डेट डेबिट होगा, लॉस हुआ है मेरा, तो यहां पे लिख दीजिए बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स होगा. तो कौन सा मेरी एसेट की वैल्यू डाउन होगी, पैसा नहीं मिलना है, एसेट क्या है यहां पर मेरी, डेटर्स. तो डेटर्स को क्रेडिट कर दीजिए, डेटर्स एसेट होती है हमेशा, डेटर्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है. जब वैल्यू को डाउन करना हो तो क्रेडिट करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था. तो कितने से, 10,000 से. तो अमाउंट आप यहां लिख लीजिए 10,000, जो डेट होगी आप वो डेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहां पर उतार सकते हैं. ये हो गया मेरा बैड डेट्स जो डेटर्स से हो गए. अब ये मेरा लॉस है, इस लॉस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाना है. नॉमिनल अकाउंट को हमेशा क्लोज किया जाता है, तो उसकी भी एंट्री हम यहीं पे एक साथ कर लेते हैं. तो बैड डेट्स मेरा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा लॉस आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. तो किस अकाउंट में जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो आप यहां एंट्री कर दीजिए उसी समय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, और इसको क्रेडिट कर दीजिए क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया टू बैड डेट्स अकाउंट. हमने बाइफरकेशन कर दिया अलग अलग एंट्री का. सो ये अमाउंट कितना जाएगा, 10,000. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारा बैड डेट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था वो कवर हो गया, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या दिया हुआ है. बेस्ड ऑन, इसी क्वेश्चन का हमने कंटिन्यूएशन ले लिया है, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एक्स लिमिटेड एस्टिमेट्स 5% ऑफ डेटर्स विल डिफॉल्ट. इसका पास्ट एक्सपीरियंस इस एक्स लिमिटेड का है कि जो भी डेटर्स होते हैं हमेशा उसमें से 5% डिफॉल्ट करते ही हैं. तो मतलब हमें पता चल गया 5% का लॉस होता ही है हर साल जितने भी डेटर्स होते हैं. एंड वॉन्ट्स टू मेक प्रोविजन अप टू 5%. और ये क्या बोल रहा है, इसको प्रोविजन बनाना है 5% का, और पहले से प्रोविजन कितना है 1500. अब ध्यान रखिएगा यहां क्या बोल रहा है, अप टू 5%, मतलब 5% तक बनाना है. तो पहले से 1500 बना हुआ है, हम 5% पहले देख लेते हैं कितना होता है, फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे.
तो देखिए डेटर्स कितने के हैं, 10,000 तो रहे नहीं, 50,000 मतलब 40,000, 40,000 के डेटर्स हैं, उसमें कितना परसेंट बोला है बनाने, 5% अप टू 5%, तो 40,000 का 5% हम लोग निकाल लें, 40,000 का 5% 2,000 तक का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, लेकिन पहले से कितना क्रिएटेड है 1,500, तो मतलब रियलिटी में 500 के प्रोविजन और क्रिएट करना है, तो आपको प्रोविजन का अमाउंट मिल गया कि कितने का प्रोविजन होगा, 500 का प्रोविजन कैसे आया, 2,000 तक का बनाना था हमें, 1,500 ओल्ड पहले से चल रहा है, तो नया प्रोविजन आपने कितने का बनाया, 500 रुपीस का, तो 500 की एंट्री कर देते क्योंकि 1,500 की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो यहां पे नेक्स्ट डेट पे जो भी होगी उसमें हम एंट्री कर देंगे प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये नया प्रोविजन मैंने क्रिएट कर दिया और इसका अमाउंट कितना आएगा 1500, कैसे 2000 माइनस 1500 दैट इज 500, नॉट 1500 500, तो 500 के नए प्रोविजन बन गए। अब ये देखिए लॉस हुआ है मेरा, फिर से ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा हर बार, तो आप ध्यान रखिएगा लॉस की भी एंट्री हम यही पास कर दे रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये आप आगे यहां लिख लीजिएगा, तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, 500 से एंट्री होगी। नेक्स्ट आते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, तो यहां हमारे दिया हुआ है बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं अगर, तो देखिए यहां नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया, बैड डेट्स रिकवर 5,000, हमारे पहले कुछ बैड डेट्स हो रखे थे उसमें से किसी ने पैसा दे दिया, मतलब पैसा वापस दे गया, वो वापस नहीं दे गया, जो लॉस हुआ था मेरा वो रिकवर हो गया, पहले हमने लिख दिया था ये बैड डेट हो गए 10,000 के, अब हमें पता चल रहा है उसमें से कोई पैसा देकर चला गया जो लॉस हुआ था पहले हमारा, तो पैसा आ गया हमारे पास, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो हमने यहां 5,000 का लिया था, तो आप 5,000 से एंट्री पास कर दीजिए। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है नरेशन लिखा जाता है हर एंट्री के बाद, तो वो आप लिख सकते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर कर दें क्योंकि मेरा एक तरह से मेरी इनकम हो गई, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा, ध्यान रखिएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमको क्रेडिट करना होगा, इसको डेबिट करना होगा, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का रिकवरी आ गई आपके पास, 5,000 की, तो ये हमने